गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 लास्ट चैप्टर है जो हमारे फिजिकल साइंस का। साउंड हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसका एक और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो उसके जो पार्ट्स हैं साउंड्स में, आपको थोड़े से अच्छे से डिस्क्रिप्शंस के साथ उसके पार्ट्स को समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से साउंड समझ में आए। क्योंकि अभी सिर्फ ये बेसिक है, आगे जाएंगे तो साउंड से रिलेटेड आपको बहुत कुछ ऐसा कुछ मिलेगा जो बेसिक स्ट्रांग नहीं होने से फिर आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जो साउंड्स के कुछ पार्ट हमने कवर किए थे, तो उस कवर को आप उसको देखिए, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि साउंड के करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, यानी कि एक साउंड में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एक साउंड में तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग का वेग और आयाम, या फिर उसका टाइम, समय, कितना टाइम में वो पूरा करता है एक वेव। तो साउंड हमने क्या जाना है कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे माना हमने, तो उसमें क्या क्या है होता है, जैसे वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है। तो वेवलेंथ यानी कि हाँ, आप कह सकते हैं क्या कि तरंग दैर्घ्य यानी उसका कितनी लंबाई है। तो हम लोग जैसे वेवलेंथ किसको कहेंगे, वेवलेंथ लैम्डा वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है, उससे डिनोट किया जाता है। वेवलेंथ कहा जाएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन वन सक्सेसिव वेव को ही हम वेवलेंथ के नाम से जानेंगे। जैसे कि एक वेव है ये, तो आप यहाँ से आप ये इस यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यदि आप कवर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से वेव आया तो एक कंप्लीट वेव पूरा किया यहाँ तक, ठीक है। माना कि ये ए से पूरा किया, ये हो गया बी, ये है सी और ये है डी। तो ये जो ये क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे, ठीक है। यानी ये एक सक्सेसिव वेव है। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर देखें तो बी से लेकर डी तक को हम लोग क्या कहेंगे, या यहाँ तक ले लीजिए, तो यहाँ तक ये बी से लेकर ई तक एक सक्सेसिव वेव है, ये है ट्रफ, तो इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट वेव लेंथ। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनको हम लोग वेव लेंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि इसको जनरली हम लोग लैटिट्यूड जिस तरह से हाइट होता है उस तरह से भी कह सकते हैं, पर हाइट तो लिख नहीं सकते। यानी एक कंप्लीट वेव का कितना हाइट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजिशन टू एनी एक्सट्रीम पोजिशन। ये मीन पोजिशन है, ये मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पॉइंट से जितना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन और व्हेन अ वेव पासिस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं क्या कि तरंग के गमन पथ में स्थित माध्यम का कोई कंपनशील, तरंग के गमन पथ में, ये तरंग के गमन पथ में स्थित मध्यमान ये मीन पोजीशन है आपका, कोई कंपनशील कण अपने मध्यमान स्थिति के किसी एक तरफ से जितना भी विस्थापन करता है उसे उस तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो चूंकि ये क्या है तो इसका भी ऐसा यूनिट, ये लेंथ है तो इसका भी ऐसा यूनिट होगा आपका मीटर, और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, ये भी एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर, ठीक है। और इसको हम लोग लैम्डास करते हैं, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम लोग कहेंगे टी से, कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। यानी जितने टाइम में एक कंप्लीट वेव कंप्लीट करता है, एक जितना टाइम उसको लगता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहा जाएगा। यानी कि उस वेव का कंप्लीट टाइम पीरियड कहा जाएगा, यानी उतनी ही टाइम में वो एक वेव को कंप्लीट करता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे कि द टाइम रिक्वायर्ड टू
produce one complete wave, या फिर इसको साइकिल और साइकिल भी या साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव. ठीक है, यानी कितना टाइम लगा इसको एक कंप्लीट वेव करने में, एक कंप्लीट साइकिल करने में. तो प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, जितने जितने टाइम की जरूरत पड़ी उसी को ही उस वेव का टाइम पीरियड कहा जाएगा. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से वन एक पॉइंट है ए, यहाँ से इसको एक कंप्लीट वेव पूरा करने के लिए ये ई तक आया, ये ऐसे. तो इसको हम लोग कहेंगे ई से लेकर ई तक इसको टाइम लगा कितना, जितना टाइम लगा उसी को ही उस वेव का टाइम पीरियड कहा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, किसको कहते हैं, यानी आयाम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी. जनरली इसको एफ से डिनोट किया जाता है. ठीक है, आपके बुक में तो एफ ही लिखा हुआ है, और आगे चलेंगे तो इसको न्यू से भी कहा जाता है, एन यू न्यू. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी एफ ही लिख रहे हैं, एफ से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि एफ से ही आपको अच्छे से समझ में आए. तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड. यानी अभी तो यहाँ सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड किया जा रहा था कि एक कंप्लीट वेव को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम वो उसको कवर, कितना टाइम उसको लग रहा है. यहाँ पर हम कहते हैं क्या कि फ्रीक्वेंसी में कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, कितना कंप्लीट वेव करने के लिए 1 सेकेंड में वो कितना वेव को कवर किया, तो उसी को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी उस वेव की फ्रीक्वेंसी कही जा सकती है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव या फिर और साइकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना वेव वहां से चला गया. ठीक है, कितना वेव वहां से आया गया, जो भी कह सकते हैं. 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. ठीक है, तो एक कंप्लीट सेकेंड को, यानी कि 1 कंप्लीट वेव इज प्रोड्यूस बाय 1 फुल वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने के लिए फुल वाइब्रेशन होनी चाहिए उस बॉडी के भीतर, तभी तो वो वेव निकलेगा. जैसे हमारे गले में भी एक वाइब्रेशन होता है, हमारे स्वर तंत्र में भी एक वाइब्रेशन होता है, जिससे कि हमारा गले से आवाज़ आती है. तो हमारे भीतर में भी एक स्वर तंत्र है ना, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है. वाइब्रेशन के ही वजह से एक्चुअली मेन रीज़न है कि वाइब्रेशन के ही वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. कहीं भी वाइब्रेशन हो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा. तो वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उस वाइब्रेशन के कारण और भी बहुत कुछ होता है, यानी कि वो कितने वेव कितना वो लेंथ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, उस वेव की कितनी हाइट थी उससे प्रोड्यूस हुआ, कितने टाइम में उसको लगा प्रोड्यूस होने में, या फिर उसकी वो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट वेव को कितना वेव या कितना साउंड वेव कितना प्रोड्यूस कर पाता है. तो वो ये सब क्या है, ये सब साउंड के ही एक करेक्टरिस्टिक्स हैं. यानी एक कंप्लीट वेव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, यानी कंप्लीट वेव में क्या क्या होता है, ये है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, हमारे जो वोकल कॉर्ड है उसमें एक वाइब्रेटिंग है, मीन्स वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है. तो जहाँ भी वाइब्रेशन हो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ये हमेशा याद रखिएगा, ये साउंड ट्रांसवर वेव्स नहीं है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव से, यानी कहीं पर भी संपीड़न कहीं पर भी विरलन होता है, साउंड में यही होता है. नेक्स्ट है, मान लीजिए इसकी भी ये एक टाइम है, जैसे ये हमारे पास क्या था, ये टाइम था, तो जाहिर सी बात है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी सेकेंड. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एसआई यूनिट होगा सेकेंड.
ठीक है। और ये है नंबर ऑफ कंप्लीट वेव टू प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इसकी ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, हेनरी हर्ट्ज द साइंटिस्ट, जिनके नाम पर हर्ट्ज यानी HZ लिखा गया, उनके नाम पर ही इसकी ऐसा यूनिट बनी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये रखा गया है। मीन्स हर्ट्ज क्या हुआ, हर्ट्ज को हम लोग लिख सकते हैं 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, 1 हर्ट्ज, और उसके बाद आता है 1 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज तो इसको हम लोग लिखेंगे 1000 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो समझ में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब माना कि यहाँ पर यदि 10 कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने के लिए 1 सेकेंड टाइम लगता है, 1 सेकेंड में 10 वेव प्रोड्यूस होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होगा 10 हर्ट्ज। ठीक है, यदि नंबर ऑफ वेव्स, देन मान लीजिए कि 10 कंप्लीट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 10 कंप्लीट वेव 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होता है, तो उस वेव का फ्रीक्वेंसी होगा 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो इससे हम एक रिलेशन में निकाल सकते हैं टाइम पीरियड के साथ फ्रीक्वेंसी का। जैसे आप बताएं तो कि 1 सेकेंड में 10 वेव प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इसके साथ हम रिलेशन में निकाल सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यहाँ पर क्या करेंगे कि टी सेकेंड है और नंबर ऑफ वेव्स मान लीजिए कि 1 है। ठीक है, तो 1 इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस विल बी 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि टी सेकेंड्स में नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 1। टी सेकेंड में कोई नंबर ऑफ वेव 1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस, क्या करेगा 1/T। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि बट द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स जो वेव्स प्रोड्यूस करता है 1 सेकेंड में, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट 1 वेव इज प्रोड्यूस 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये तो क्या हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि दिस मीन्स कि दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ऑफ टाइम पीरियड टी विल भी हम लोग लिख सकते हैं 1/T। सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी एफ इज इक्वल टू 1/T यानी टाइम पीरियड, यानी कि एफ इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ द वेव। हमारे इस बुक में, आपके बुक में सिर्फ 4 ही हैं, पर यहाँ पर हम एक वेलोसिटी से एक रिलेशन निकालेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में सुविधा होगी। तो हम वेलोसिटी या स्पीड निकालते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। डिस्टेंस 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई एक वेव, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उस वेव की वेलोसिटी कही जाएगी, उस वेव का स्पीड या वेग कहा जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जैसे वेलोसिटी हम लोग जानते हैं ना कि D/T, वेलोसिटी इज इक्वल टू D/T। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस क्या है, हमारा डिस्टेंस है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ है। वेवलेंथ यानी डिस्टेंस की को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। इसके बाद ये हो गया टी, यानी वी इज इक्वल टू हो गया लैम्डा/T। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इंटू 1/T। अब यहाँ पर, अब जैसे अभी हमने देखा था कि लैम्डा इंटू 1/T इज इक्वल टू क्या था, यानी कि यहाँ पर हमारे पास था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू था 1/T। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ, यानी कि वी इज इक्वल टू
लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेयर बी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, ये इसके बीच में एक रिलेशन है और इससे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत आसानी होगी। ये रिलेशन समझ में आया। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड कहेंगे। हम लोग उसको देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वैसे ही है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जिस तरह जितना वो रूल फॉलो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम है यहाँ भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का जो परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन, वैसा ही इसका भी रूल होता है। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस यही होता है कि जितना स्मूथ सर्फेस लाइट में होना चाहिए, स्मूथ सर्फेस सॉफ्ट सर्फेस होता है तो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, उस तरह से क्या है, साउंड में जितना स्मूथ सरफेस होगा, सॉफ्ट सरफेस होगा, तो साउंड एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो इसमें सरफेस का स्मूथ होना जरूरी नहीं है, जितना स्मूथ सरफेस होगा साउंड का एब्जॉर्बेंस होगा हो जाएगा और हमें एक करेक्ट साउंड नहीं प्राप्त होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही डिफरेंसेस है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि जिस तरह से एक वॉल हुआ, कोई भी एक सर्फेस हुआ, वहां से जिस तरह से ये साउंड आया और सेम वैसे ही गया जैसा कि साउंड आया। ठीक है, यानी जैसे ही वो साउंड आया वैसे ही वो साउंड चला गया, सेम है जैसे लाइट की तरह होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सॉफ्ट सरफेस में साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बाउंसिंग बैक यानी कि यहाँ से जितना साउंड आया वैसे ही वो बैक कर गया। ठीक है, हार्ड सरफेस के ऊपर। तो साउंड्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि आप बहुत सारे अपने एप्लीकेशंस आप देखते भी हैं। आप एग्जांपल है आपका ये मोबाइल फोन कहिए या फिर वो ईयरफोन कहिए, आजकल तो वायरलेस भी आ गया है, तो वो सब जितने होते हैं वायरलेस वगैरह है वो सब रेडिएशन के द्वारा कैच करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे कि आपको पतला सा वायर के साथ ही कनेक्ट किया जाता है, तो साउंड क्या करता है कि मान लीजिए एक पतली सी नली के साथ यदि वो साउंड यहाँ से जा रहा है तो क्या करेगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक संकरी सी नली है। ठीक है, एक पाइप है, तो यहाँ से साउंड गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ के वॉल से ऐसे टकराया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, फिर रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, फिर रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, फिर रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, फिर रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के जरिए यहाँ पर हमें फिर से सुनाई दे देगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के जरिए ही, परावर्तन के कारण ही ये हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट है, हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज करते हैं। जो ये स्टेथोस्कोप का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मेगाफोन है, बल्ब हॉर्न है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है जो साउंड के एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आप इनको। तो स्टेथोस्कोप को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं बॉडी को कि कहाँ पर कफ तो नहीं है या फिर कुछ भी कहिए। तो बॉडी को एग्जामिन करने के लिए जो स्टेथोस्कोप का जो ये जो गोल वाला जो हिस्सा होता है, राउंड वाला, इसमें एक रबर का बना हुआ मेम्ब्रेन होता है। वो जैसे ही हमारे हार्ट पे लगाया जाता है तो वहां से क्या होता है कि वो साउंड, वो वाइब्रेटिंग जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से, तो वाइब्रेशन इसको ये कैच करता है और ये वाइब्रेशन हमारे पाइप के जरिए भेजता है कानों तक और हमें बताता है कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये साउंड का एक एप्लीकेशन है स्टेथोस्कोप। उसके बाद है कि साउंड का जिस तरह से क्या है कि साउंड है, साउंड के लिए जितना ही राउंड सरफेस होगा साउंड अच्छा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ये राउंड सरफेस होगा तो साउंड अच्छा से प्रोड्यूस होगा, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत अच्छे से आएगा। इसीलिए सिनेमा सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल हुआ या कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ या फिर सिनेमा हॉल्स हुआ मेड ऑफ कर्व सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द सीलिंग रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द हॉल। ये कर्व इसलिए बनाया जाता है, ये एप्लीकेशन है कि इसलिए कर्व बनाया जाता है ताकि साउंड अच्छे से रिफ्लेक्ट होके सभी के कानों तक आए, सभी के पास आसानी से पहुंचे। इसीलिए सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्सर्ट हॉल का जो सीलिंग होता है या फिर सिनेमा हॉल का सीलिंग होता है, वो सब कर्व बनाए जाते हैं इसके एप्लीकेशन के, इसके रिफ्लेक्शन के कारण ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, क्या इको, इको यानी कि प्रतिध्वनि किसको कहते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इको किसको कहा जाता है,
देखिए, इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि हमारे कान की जो हियरिंग है, यानी कि साउंड टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑडिबल होते हैं, एक होता है इनऑडिबल। तो ऐसे है कि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक ही साउंड को ही सुन सकते हैं। इससे कम हुआ तो हम इस साउंड को नहीं सुन पाएंगे, और इससे ज़्यादा हुआ तभी भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो हमारे जो कान की सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 2,000 किलो हर्ट्ज के बीच में ही होती है। तो जब इससे कम होगा, 20 हर्ट्ज से जिसका रेंज कम होगा, उसको हम लोग कहेंगे इंफ्रा, ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड तो ये हमारे बीच का है कि इसी के बीच के ही भीतर हम लोग साउंड को सुन सकते हैं, यानी ऑडिबल साउंड है ये, और ये है इनऑडिबल। जो सुना जा सके उसको ऑडिबल कहते हैं, जो नहीं सुना जा सके, जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड है उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो इसको ये 2,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर होता है तो इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और ये है इंफ्रा जो 20 हर्ट्ज से भी नीचे होता है, ठीक है। इको मीन्स हुआ क्या? इको है ध्वनि का किसी बाधा से परावर्तित होकर मूल ध्वनि से अलग और स्पष्ट पुनः सुने जाने की घटना को ही ध्वनि की इको कहा जाता है, यानी प्रतिध्वनि कहा जाता है। यानी मूल ध्वनि की अपेक्षा प्रतिध्वनि कुछ मंद होती है, क्योंकि मूल ध्वनि की ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तक तल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो इको कहाँ होगा, कैसे होगा? इको क्या है कि माना कि कोई एक ध्वनि है, मैंने एक ध्वनि प्रोड्यूस किया, तो वहां से फिर से वैसे ही एक ध्वनि आई, लेकिन वो ध्वनि मूल ध्वनि से, यानी जो बेसिक था, उससे थोड़ा कम साउंड में आया, तो इको कह सकते हैं। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ द रिपीटेशन ऑफ साउंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। इको सुनते हैं ना, पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां पर खाली जितना एरिया होगा, अपनी आवाज को बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि उधर से कोई फिर से आवाज आ रही है, तो आपकी ही आवाज है। वो क्या है कि वो जितना परावर्तक सतह था, इको का जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही आसानी से इको हमें सुनाई, यानी इको उतना ही आसानी से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इको क्या है कि इको रिपीटेशन ऑफ साउंड है, इको एक सिंपली एक रिफ्लेक्टेड साउंड है, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ साउंड बाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन के द्वारा जो साउंड जो बार बार जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को ही इको कहा जाता है। तो इको प्रोड्यूस होता है, जैसे बताया गया आपको कि साउंड के लिए मेन चीज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए, कि यदि सरफेस स्मूथ हो तो वहां पर हमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी तरह से इको प्रोड्यूस करने के लिए साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस से साउंड का रिफ्लेक्शन होना चाहिए ताकि इको अच्छे से आए। यानी इको के लिए साइंटिस्ट ने एज्यूम किया, एस्टिमेट किया कि साइंटिस्ट ने दो साउंड्स प्रोड्यूस किए। यदि हमारे कान के पास, इट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय साइंटिस्ट दैट द इफ टू साउंड्स रीच आवर ईयर विद इन अ इंटरवल ऑफ 1/10, 1/10 सेकेंड्स में यदि दो साउंड्स आते हैं तो देन वी कैन नॉट हियर दे मै सेपरेट साउंड्स, हम उसको नहीं सुन सकते हैं उस सेपरेट साउंड्स को अलग अलग। यदि दो साउंड्स आ गए 1/10 सेकेंड्स के भीतर ही, तो हम दोनों साउंड्स को साफ साफ नहीं सुन पाएंगे, ये हमारे कानों की क्षमता नहीं है। द ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड्स सेपरेटली इफ देयर इज अ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल यदि नहीं हुआ तो ह्यूमन ईयर की सुनने की क्षमता नहीं है। यदि टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड्स नहीं हुआ तो हम लोग एक साउंड को एक साउंड से नहीं सुन सकते हैं, यानी कि दोनों साउंड्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगे, हम सिर्फ एक ही साउंड को अच्छे से सुन पाएंगे। तो सेपरेट ओनली इफ देयर इज एन टाइम इंटरवल 1/10 सेकेंड्स या फिर 0.1 सेकेंड बिटवीन देम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इको का,
ईगो कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि साउंड्स का जो गमन है, यानी कि साउंड्स हमारा द स्पीड ऑफ साउंड्स कहाँ कहाँ होता है, ये एक पॉइंट है, आप इसको भी जान लीजिए कि साउंड्स का स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में होते हैं। ठीक है, तो साउंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है बहुत ही स्पीड से, तो वो है सॉलिड्स में। यानी कि आप देखेंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि रेलवे की पटरी है, ठीक है, और बहुत दूर से ट्रेन आ रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा है, आप उसके यहाँ पर पटरी पे यदि कान लगा के ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा, यहाँ पर हमें उसके वाइब्रेशन से हमारे कानों तक आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड सॉलिड में काफ़ी तेजी से वाइब्रेशन होता है और हम सॉलिड में यहाँ पर ज़्यादा साउंड का स्पीड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है लिक्विड में और उसके बाद होता है सॉलिड में, सॉरी गैसेस में। तो सबसे पुअर होता है एयर में। यदि एयर में साउंड्स की स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है कंडीशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है साउंड की स्पीड। इसका भी और भी एप्लीकेशन आपको मिलेगा क्या, कि साउंड्स की स्पीड है एयर में इतना, तो हमें लाइट की स्पीड, जैसे आप एक देखे होंगे ना, बिजली चमकता है तो पहले बिजली का चमकना हमें दिख जाता है और साउंड थोड़ी देर बाद आता है, क्योंकि एयर में ये इतना ही तेजी से, ये स्पीड से हमारे कानों के पास पहुंचता है, यानी हमारे पास आता है। जबकि जो लाइटनिंग जो हो रहा है, लाइट का तो बहुत ज़्यादा है, लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से लाइट हमें पहले दिख जाता है और साउंड हमें बाद में समझ में आता है। ठीक है, रीजन यहीं पर है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं। उसी तरह से सी वाटर में, यदि मान लीजिए कि एक जगह डॉल्फिन कोई है, कोई मछली सी है, वो अपने साथी से बिछुड़ गए हैं, तो उनके बिछड़ने के बाद क्या होता है कि वो एक जगह से एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे और वो बहुत दूर में जो स्थित जो उनकी जो साथी होंगे वो आराम से वो साउंड को सुन पाएंगे, क्योंकि साउंड ट्रैवल होता है लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा, मतलब सॉलिड में ज़्यादा होता है और लिक्विड में उससे कम, तो लिक्विड में फिर वो साउंड को सुन पाते हैं। तो जो हमारा जो सी वगैरह में है वो साउंड अच्छे से सुनाई देता है, यानी लिक्विड है वो, तो लिक्विड में साउंड एयर के मुकाबले अच्छे से ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सोनार से, अल्ट्रासोनिक साउंड से, अल्ट्रासाउंड से और ह्यूमन ईयर से, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। तब तक अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।